तो आज महात्मा फुले और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए महिलाएं तो सामने खड़ी हैं। और यह बात आपको भी पता है कि आज जो दिन है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक देवी की पूजा 9 दिन किया उन्होंने, 9 दिन देवी की पूजा किया और 9 दिन आकर के बच्चियों को खिलाया पिलाया। तो बेटी को पूजते रहे, बेटी को बिठा कर पूजा करते रहे, देवी बना दिया, लेकिन बेटियां जब पढ़ने लिखने स्कूल और विश्वविद्यालय गई तो स्कूल और विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। ऐसे धर्म और संस्कृति वाले लोगों का शासन इस समय भारत में। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले का रहने वाला हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और हरियाणा में कार्यक्रम में आया हूँ। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि महात्मा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का ख्वाब देखा जिसमें सब मिलजुल करके रहेंगे। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं मुझे लग रहा है वो पहले से जागरूक लोग हैं। जागरूक लोग हैं इसीलिए आज रामनवमी मनाने मंदिर में नहीं गए, आज बाबा साहब के पार्क में बैठे हुए हैं। आप सभी को सलाम है भाई, क्योंकि आज तो बड़ा दिन है उनके लिहाज से। आज तो ये परीक्षा की घड़ी है कि आप भारत के संविधान को मानते हैं या भगवान को मानते हैं। तो जो पहले से जागरूक है उसे मैं और क्या बताऊंगा। मैं तो आप सभी को सलाम कर रहा हूं और इस पूरी आयोजन समिति का सलाम कर रहा हूं कि आप सब यहां इकट्ठे हुए हैं। और उसमें भी इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात देखिए, पुरुषों की जो लाइन है वो तितर बितर हो गई, कुछ लोग खाने चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, और महिलाएं अभी भी अनुशासन में बैठी हुई हैं। आप इनके लिए ताली बजाइए। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यही है कि पुरुषों से ज्यादा संख्या और अनुशासन में महिलाएं बैठी हुई हैं। बाबा साहब और महात्मा फुले ऐसे ही भारत का सपना देखते थे, इसलिए आप सभी को सलाम है मेरा। और देखिए अभी इन्होंने बताया कि इस आयोजन समिति का की अध्यक्षता प्रेसिडेंट भी एक महिला ही है, इससे बड़ी बात क्या है। मैं उनको अपना जय भीम बोलता हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि किसी भी देश और समाज की प्रगति अगर मुझे देखनी होगी तो मैं उस जगह की 2 चीजों को ही देखूंगा, वहां महिलाओं की स्थिति क्या है और वहां के विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है। तो आज महात्मा फुले और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए महिलाएं तो सामने खड़ी हैं। और यह बात आपको भी पता है कि आज जो दिन है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक देवी की पूजा 9 दिन किया उन्होंने, 9 दिन देवी की पूजा किया और 9 दिन आकर के बच्चियों को खिलाया पिलाया। तो बेटी को पूजते रहे, बेटी को बिठा कर पूजा करते रहे, देवी बना दिया, लेकिन बेटियां जब पढ़ने लिखने स्कूल और विश्वविद्यालय गई तो स्कूल और विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। ऐसे धर्म और संस्कृति वाले लोगों का शासन इस समय भारत में।